संसद के मानसून इजलास के 11वें दिन लोकसभा दे विच दिल्ली ऑर्डिनेंस ते चर्चा हुई। अमित शाह ने सदन के अंदर गठजोड़ अते बिल का जिक्र कर कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी दोवां ते निशाना लाया। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं, नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है, दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो, मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, एलायंस की मत सोचिए। एलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रचिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा।